सो हेलो जय श्री राम गाइस, आज आ चुके हैं हम राजस्थान के फर्स्ट ऑटोमेटिक रोप वे पे। तो गाइस वो जो कोलगे हनुमान जी में बन के तैयार हुआ है राजस्थान का फर्स्ट ऑटोमेटिक रोप वे, आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं। तो गाइस इसकी पूरी जो डिटेल वीडियो रहने वाली है, तो गाइस वीडियो को स्केप नहीं करें, वीडियो को पूरी देखें गाइस, और बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि यहाँ देखते हो आप, तो यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग है, फोर व्हीलर के लिए भी निःशुल्क पार्किंग है, देख सकते हैं जैसा कि, और बाइक टू व्हीलर अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ पे टू व्हीलर के लिए भी फ्री पार्किंग सुविधा दे रखी है। तो चलिए गाइज अब लेते हैं हम टिकट। सो इस साइड से हमें रोपवे की टिकट मिलेगी, चलिए गाइज दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से जो है टिकट घर है, टिकट प्राप्त करते हैं हम। तो टिकट प्राइस है जो है अडल्ट्स की 150, चिल्ड्रंस के लिए 75, टू वे यानी दोनों तरफ के, अगर आप एक तरफ का भी ले सकते हैं हाफ हो जाएगा टिकट। तो दोस्तों जैसे कि हमने टिकट ले लिया है और इसमें है हमारे 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा जीएसटी हमको देनी पड़ती है। तो चलिए इस तरफ है रास्ता, और ये अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है 28 सितंबर को, और बैठने के लिए हमें यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। वेटिंग एरिया बना रखा है जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं जब तक आपकी बारी नहीं आ जाती। और यहाँ से देखिए मंदिर, और गाइज अभी जो है आपको मंदिर के नज़ारे दिखाने वाले हैं रोपवे से, बहुत शानदार नज़ारे देखने वाले हैं यहाँ के गाइज। ये देखिए अब वो रोपवे जो है आके पहुंचेगा इस साइड। ये ऑटोमेटिक रोपवे है जो आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ऊपर लेके जाएगा। तो ये रोपवे जो है स्टार्ट होने जा रहा है अब, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। स्लोली स्लोली ये केबिन आ रही है, और यहाँ पे जो बैठने की कैपेसिटी है 6 जने हैं। तो गाइज अब हम जो है केबिन में बैठ गए हैं, बहुत औसम वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ के, और इसमें टोटल 6 पर्सन इसमें अलाव है, 6 जने आराम से बैठ के इसमें देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, और इसके जो गेट है वो भी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर से आपको व्यूज दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, स्टार्ट हो गई है ये रोपवे, और अब हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जो कि इसमें जो समय रहने वाला है 5 मिनट में आपको ऊपर ले जाके पहुंचा देती है ये। और जैसा कि उस साइड दिखाओ, कोलगे हनुमान जी का मंदिर है, और बीच में ये थोड़ा सा स्लो भी होगी जहाँ सनसेट पॉइंट और सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए गाइस ऑसम व्यू है कोलगे हनुमान जी का यहाँ से। और ये देखिए हमारे साइड से जो दूसरा रोपवे जा रहा है, और वो देखिए वहां पे मंदिर है माँ वैष्णो देवी का। काफी घना जंगल देखने को आपको मिलेगा इस साइड, पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया है अभी, यहाँ पे बहुत स्लो हो गया है, यहाँ पे जो है सनसेट पॉइंट या सेल्फी पॉइंट है, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। हम कितने ऊपर आ गए हैं, तो देखिए साइड वाले जो है केबिन्स। तो गाइस यहाँ पे आकर ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है ताकि आप सेल्फी वगैरह फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकें। जैसे कि देख सकते हैं इस साइड कितना घना सा जंगल दिखेगा आपको, और इवनिंग के समय जो है व्यू रहने वाला है, जो काफी बेहतरीन व्यू रहने वाला है इसका।
तो गाइस केबिन के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसकी पालना आपको करना है। इसमें अगर आप सिंगल हैं तो इसके बीच में ही बैठना है आपको। ये देखिए उधर से जा रही है दूसरी केबिन्स। सिंगल से तो आपको इसमें बीच में ही बैठना है, इधर उधर नहीं हिलना। और अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में माँ वैष्णो देवी के मंदिर में। माँ वैष्णो देवी के आपको हम दर्शन करवाएंगे अभी। अब हम पहुंच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में। ऑटोमेटिक तो इसके दरवाजे खुल जाते हैं और वहां से हम आ चुके हैं। अब आपको हम दर्शन करवाएंगे माँ वैष्णो देवी के। अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यह है मंदिर माँ वैष्णो देवी का। दोस्तों यहाँ से व्यूज, जयपुर का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ से देख सकते हैं व्यूज, हरियाली। तो दोस्तों ये था माँ वैष्णो देवी का मंदिर जयपुर का। ये भी काफी प्राचीन मंदिर है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी है, डिटेल कैसी लगी आपको? गाइज वीडियो को इसी के साथ करते हैं एंड। वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक्स कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। थैंक्स।